लेकिन राज जी उनसे शांति नहीं। एक्चुअली जब भी हम रामलीला और उसकी बात करते हैं तो जाने भी दया में महाभारत थी आप अगर देखें तो, और वो महाभारत का जो सीन है उसको कहीं हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सीन से, वो एक आइकॉनिक सीन है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हमारा अपना एक अलग टेक है इस पे, तो आई होप कि जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस किस्म से कॉमेडी किया, उसमें किरदार क्या क्या कर रहे हैं। नुसरत, यू आर नोन एज द पंचनामा गर्ल, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट ड्रीम गर्ल? मतलब ये जो ड्रीम गर्ल है इसमें आप हैं, लेकिन सारा ग्लैम तो पाजी लेके जा रहे हैं। अरे 100%, बट आई थिंक कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई नहीं करी थी, आई थिंक इवन इन पंचनामा व्हेन द फिल्म केम नोबडी एक्सपेक्टेड दैट द गर्ल्स वुड डू दैट, एंड आई थिंक दैट्स बीन व्हाट आई हैव बीन डूइंग, कि जो तुम नहीं सोचोगे वही आएगा। सो इवन व्हेन द टाइटल केम अप पीपल थॉट आई वुड बी द ड्रीम गर्ल फर्स्ट, बट it's not. So I like it. I think on a larger scale the film has to be the most important. That for me, that is the star, that is the central character, and to be a part of an amazing film is always going to be my first priority. And when I heard the narration, it was the easiest of casting I think I've ever been to. I walked into Balaji, I met Ruchika, I met them, they gave me a narration, and he really is a con artist, he can really convince you. And I heard the narration and I said I'll do it. And Raj is like, okay, done. I said, okay, done. Ruchika, okay, dates, done. Okay. And I was on set shooting. It was as simple as that. So, yeah, I think that is what you're going to see in this. A completely different side. Ayushman, mera sawal aapse hai. Kaise ma'am? Jaisa ki host ne jaise aapse sawal kiya tha, ki aapne day one se jo aapka career ka graph dekhe, to aapne experimental characters ko tawajjo di hai. हमारे ज़माने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर स्टारडम का जो ये मुकाम है, इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा? आई थिंक इससे हिम्मत आती है, आपकी जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में बोर्ड और करेज आता है, यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस। जब आपको लगता है आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ की हैं और लोगों को पसंद आ रही है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए। ड्रीम गर्ल इज अगेन दैट फिल्म, और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना, चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था, मैं अंधाधुन में नहीं था, इट इज़ वेरी डिफरेंट। पर हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी है, वही हमारे देश में एक प्रथा रही है, रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीता बनता है, तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं, इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता, हिंदुस्तान में होता है। तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं, और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों की अब तक, तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ। हाय आयुष्मान, दिस साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग ट्रेलर आई शुड से। मैं इतने पंचेस थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड। थैंक यू। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही, बट देन इट हैज़ हेल्प्ड यू, बट देन जब आप राधा सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा, किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए? आई थिंक इट इज़ ऑल इन द लाइन, जैसे आपने बोला पंचेस बहुत है, पंचेस राज शांडिल ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है। पर यहाँ इस फिल्म के अंदर यू सी द रेलेवेंस नाउ ऑफ इट, देयर यू गो, ही डिड इट फॉर मी। बट नेवर्थलेस आई थिंक व्हेन यू आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ गर्ल और मे बी साउंडिंग लाइक अ गर्ल, तो आप अचानक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर को डायरेक्टिव विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से, एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक मेन आर ऑल्सो गोइंग गागा ओवर यू, सो इट वॉज ऑफकोर्स चैलेंजिंग फॉर श्योर। ऑल्सो जस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ड्रीम गर्ल जो है वो हेमा मालिनी जी को माना जाता है अभी भी, बट देन एक नई ड्रीम गर्ल हमें इंडस्ट्री में मिल गई है, आई शुड से दैट। नहीं, वो ड्रीम गर्ल ही है जो है, और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, यू नो डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है? आपने फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टारडस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं,
और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं आपको लगता है जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीज़न से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्टिक बच्चे की तरह होता है, यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी, जब भी आपको अवार्ड मिलता है यू गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स बिकॉज इट इज विद द नेशन और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पर सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. सो इट जस्ट द सेम कॉन्टेशन, वही रेलिवेंस है. एट द सेम टाइम आई वॉज शूटिंग दैट टाइम जब नेशनल अवार्ड पता लगा मुझे मिला है. एंड जब मैं शॉर्ट से वापस आए इन लाइक 5 मिनट्स देयर वर 40 मिस कॉल्स. मैंने कहा क्या हो गया 10 मिनट के अंदर? तो दे वर लाइक फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स. देन आई स्टार्टेड रीडिंग द मैसेजेस तो पता लगा नेशनल अवार्ड मिला. सो इट वॉज लाइक अ वियर्ड एक्साइटमेंट क्योंकि मैं अब जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. आई डिडंट गेट दैट मोमेंट विद माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज सराउंडेड विद 50 पीपल. तो बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट डाइजेस्ट दैट. ओके, मेरा सवाल राज शांडिले जो डायरेक्टर हैं, सर आपने बहुत सारी इधर आपके लेफ्ट पे एक्चुअली आपने बहुत सारी कॉमेडी सर्कल्स के आप हमेशा ही राइटर रहे हैं, तो क्या बहुत मुश्किल था इस फिल्म के बारे में? मतलब कहाँ आप स्टक हुए या फिर जो आपकी स्क्रिप्ट रही है वो कितनी इम्प्रोवाइज हुई है ऑन लोकेशन? कॉमेडी सर्कस हो या बाकी जितने भी शोज हो आपने देखा होगा हम लड़कों को लड़की बनाते रहे. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं. हाँ, आप पर्दे पर उस चीज को अलग तरीके से पेश करना, यू नो, वो एक चैलेंज था कि 2 घंटे की फिल्म में वो सब चीज़ें बोलना, वो सब चीज़ें कहना जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक्टर बहुत अच्छे हों तो वो ना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए आयुष्मान और बाकी जितने भी लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो इतनी नेचुरल है कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती लड़की बनाया है, यू नो. तो वो एक चैलेंज था लेकिन हर एक लड़के के अंदर, आदमी के अंदर एक औरत होती है, तो वो औरत मैंने बाहर निकाल दी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं. रुचिका, हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि as a creative producer, what do you want to say? What yeah, आपको बोलना पड़ेगा. What's your take on being part of such a project? Such a project जहाँ पे content is the real king and we have talents like Baji and Nusrat. What do you want to say about it? See, I believe that when we decide to make a film, in 2 lines we need to know what the film is all about. In 2 lines, when I heard what this film was about, it was different, it was fresh, it was new, it was entertaining. And the only thing I've learned being with Ekta is that film is teen cheezon pe chalti, entertainment. So I think that was the reason why we decided to be a part of this film. Thank you for your question. आयुष्मान, कई बार ऐसे कई सेलेब्स होते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जो जिनको कभी फोन करो तो वो लड़कियों की आवाज में खुद ही बताते हैं कि मैं उनकी मैनेजर बोल रही हूँ और आप इस समय. कई ऐसे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर ने फोन किया हो या किसी इवेंट्स के लिए आपको क्वेरी आए हो और आपने लड़की की आवाज में बात की? अब तक तो नहीं हुआ, वैसे आगे का पता नहीं. और एकता आइडिया अच्छा है वैसे यार, बट आप पकड़े जाओगे. आप पकड़े जाओगे. अब पीपल नो योर वॉइस एज अ गर्ल, सो यू शुड ट्राई. मैनेजर है मेरी एकता. All right, before, I'm so sorry. I'll just come back to you. We also have the co-producer with us, Nachiket Pantavaidya. Give it up for him, ladies and gentlemen. So sorry, I'll come back to you. Welcome, Nachiket, and congratulations for this blockbuster to be. Yes, sir. Ita, ऐसे घबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने, but I think पूजा rocks. I think I called her a couple of times too. Sachi? Smoochie. Can you hand over the mic over there? ये जो पूजा थी जो हम लोगों ने ट्रेलर में अभी देखा, वो बिना को एक्टर्स के इतनी उसका जो कैरेक्टर है वो उभर कर नहीं आता. तो जो दूसरे आर्टिस्ट है, मंजूत है, आप लोग कुछ शेयर करेंगे कि किस तरह से अपने कैरेक्टर को उस तरह से किया? और एनीवन यू? हां जी, यस, बोलिए. हां, एक बार बताएं जो पूजा का जो कैरेक्टर है उसको एस्टैब्लिश करने में आप लोगों की भी बहुत जी पूरी टीम की मेहनत होती है हर फिल्म बनने में. और आई थिंक स्पॉट बॉयज से लेकर एक स्टार कास्ट में हर एक बंदा जो वैंटीज लेके आते हैं, जो सारी मेहनत करते हैं, उन सबकी मेहनत है, नॉट इवन ओनली स्टार कास्ट. तो आई थिंक ये फिल्म जो बनी है सबके प्यार से बनी है. और आई थिंक कि
जब रिलीज होगी 13 सितंबर को, आई थिंक एक जब भी एक फिल्म हिट होती है तो सबको फ़ायदा मिलता है उससे, तो इस फिल्म से सबको फ़ायदा मिलेगा, जिनका छोटा रोल है, जिनका बड़ा रोल है, जो बिहाइंड द कैमरा है, और जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो जितने भी टैलेंट्स हैं, जितने भी हार्ड वर्कर्स हैं इसमें। आयुष्मान, स्ट्रेट हियर, आयुष्मान, कुड वी सी यू डू अ पूजा लाइव इन फ्रंट ऑफ अस? थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ और 13 को मैं होंगी तेरी। Alright, in his first movie, Anu sir was his partner in crime and यहाँ पे उनसे ये सब कुछ छुपा रहे, but unfortunately he's not here with us, he's not well. So Anu sir के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, Anu Kapoor साहब को। Anu sir and Vijay Raj sir both. Yes, Vijay Raj sir is also not here. Excuse me, yeah. I'm raising my hand. Ayushmann Renuka from Bombay Times. First of all, congrats for your national award. Thank much you. Deserving. And Irfan once told me that, you know, when an actor has an Oscar winner in front of his name, it's a big deal for him. Likewise, today when I read the papers, it was not just Ayushmann, it was national award winning actor Ayushmann Khurrana. So tell me, what does that feel like, first of all? And I'll ask the second question after. It's too overwhelming. It gives me heebie-jeebies, in fact. Gives me butterflies in the stomach. And I read that in the papers today. It was quite surreal. I don't know what to say, seriously. But yeah, it's a good responsibility also at the same time. But will your approach towards your work slightly change, given the kind of reputation you have earned over the years? I think it was always serious, and approach towards the work. Otherwise, not very serious as a person in real life. But towards my work, I'm really serious, and I'll always approach scripts with that mentality and sensibility. And it has worked till now. I hope it works in future as well. Ayushmann, just finally, before I give the mic to someone else, about a woman, like, you know, imitating a girl's voice, or what about it fascinates you the most when you observe women around, or what is that one aspect that you thought you had to include in your imitation of a woman's voice? They are just more compassionate as gender. They are more attached. Though I don't believe in generalizations. I think men and women are same when it comes to everything in life. A lot of people ask these questions, how was it working with a female director or a female producer? I think there's no difference. Till the time we just take out those generalizations in our life, it'll be fine. But otherwise, I believe there's certain generalizations still. Like, they are more compassionate, they are calmer, and that's about it. These are the qualities I imbibe while doing this character on screen. Thank you so much. Thank you. So, we'll just take one last question, yeah? Hi, Ayushmann, Justin here from PTI. Hi, Justin. Ayushmann, congratulations for the big... congratulations for the big national award win. Thank you. You know, usually when there is an honor as big as this, usually a lot of reflection happens when one ponders over the past where one didn't have anything at all. If you can take us through the journey before Vicky Donor, when you were still giving auditions and perhaps getting rejected for really bizarre reasons from the producers. Do you recall one of those? To begin with, I think Vicky Donor's trailer was played in this Audi, and I just walked the same aisle. So I was selling this to my manager that, you know, this is like deja vu. I hope this also gets that success. And, you know, it was a hard-earned success. I'm glad it was like baby steps towards success, not just a phenomenal rise. So it just gives me more calmer head on the shoulders. That journey was very fruitful from the theater days and radio days and then television and then films. It's hard earned, as I said, and I'm still enjoying that journey. I still have that childlike quality. I get excited when the poster or the trailer comes out, and get equally nervous when the film is out to release. And I think it's important to maintain that. That's about it. Ayushmann, two questions.
questions. Badhai Ho has also won in the most entertaining film National Award, and also you're sharing the award with Vicky Kaushal. So if you can share something on that. You know, he was the first one to call me when I got to know about my National Award. It was very sweet of him. I also wrote one message to him that he's such a gem of a person, and I'm glad that I'm sharing this award with him because he's very talented, and both of us are Punjabis, and we speak to each other in Punjabi because there are hardly any contemporaries I can talk to in my native language. So that's a lot of fun. We were together in Coffee with Karan also. We hosted a lot of award shows. So it's I have a friend in the industry for sure. Hi, Ayushman. You from AVP News. Hi, kaise hain Ravi? Fine. How are you? Good. Ayushman, ek sawal. 2012 se jab aapne Vicky Donor ki se shuruaat ki thi film industry mein, har ek actor ka ek dream role hua.